नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज एमपी पर। मैं हूँ आपके साथ अमन शुक्ला। छतरपुर के छतसाल चौराहा स्थित कृष्णा गोटीराम स्वीट्स के देवेंद्र सैनी अपने दो कारीगरों के साथ एक गैस भट्टी पर और दूसरी पर छन्नूलाल पाल अपने साथी कारीगर के साथ मिठाइयां बना रहे थे। इस दौरान स्वरूप गैस एजेंसी का कर्मचारी लोडर वाहन से गैस से दो सिलेंडर लेकर कारखाने पहुंचा और उतार कर कारीगरों को दे दिया। इसके बाद गैस एजेंसी का कर्मचारी दुकान संचालक योगेश अग्रवाल से रुपए लेने चला गया। इसी बीच दुकान के कर्मचारी देवेंद्र सैनी ने एक सिलेंडर में रेगुलेटर फिट करते हुए चालू किया और जलती गैस भट्टी के पास रखे दूसरे चूल्हे में फिट करने लगा। गैस का प्रेशर अधिक होने के कारण पाइप हाथ से फिसल गया और जलती हुई गैस भट्टी की ओर चला गया। जलती गैस भट्टी पर गैस पड़ते ही आग की लपटें निकली और पास में रखी घी तेल सहित सभी प्लास्टिक सामानों में आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने इलाके में दहशत फैला दी। दो गैस भट्टियों पर काम कर रहे चार कारीगर ने शुरुआत में आग बुझाने का काम किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद गांधी आश्रम वाले रोड पर काम कर रहे चारों कारीगर सहित तीन अंदर की दुकानों में लड्डू बना रहे थे, वो कर्मचारी पीछे गेट से भाग खड़े हुए। वहीं गैस एजेंसी कर्मचारी और कृष्णा गोटीराम स्वीट संचालक योगेश अग्रवाल आगे गेट से अपनी जान बचाकर भागे। कुछ समय तक तो इन लोगों ने दुकान में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया पर जब सफल नहीं हो पाए दुकान से दूर जाकर खड़े हो गए और तमाशा देखते रहे। इसी बीच पहला गैस सिलेंडर फटने का धमाका हुआ और धीरे धीरे आसपास की दुकानों में आग फैलना शुरू हो गई। देखते ही देखते एक एक करके पांच सिलेंडर लगातार फटे और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें और धुआं ही दुखा दिखाई देने लगा। पांचवें गैस सिलेंडर के फटने के बाद छतरपुर नगर पालिका की चार फायर ब्रिगेड में से एक मौके पर पहुंची। आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि इसे बुझाने में इसका पानी सिर्फ 5 मिनट में ही खत्म हो गया। इस दौरान 20 मिनट तक पुलिस प्रशासन और आम लोग आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके बाद दूसरी फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची और पूरी तरह से आग को काबू में लिया। आगजनी के दौरान डॉक्टर विजेंद्र दुबे की क्लिनिक पर कार्य करने वाली युवती बबली ऊपर मंजिल पर फंस गई थी। डेंटल क्लिनिक पर डॉक्टर का इंतजार कर रहे 6 मरीज आग लगते ही वहां से निकल गए थे लेकिन ये लड़की वहीं फंस गई। आग के रौद्र रूप को देखकर लड़की इतनी डर गई थी कि वो वहां से छलांग लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने वाली थी पर मौके पर मौजूद लोगों ने उसे सहारा देकर नीचे उतार लिया। महज 20 मिनट में 5 सिलेंडर के धमाके ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। खास बात यह है कि दुकान के गेट के बाहर ही 50 से ज्यादा सिलेंडरों से भरी गाड़ी खड़ी थी। समय रहते लोगों ने उसे हटा दिया जिससे बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो फिर क्या होता ये तो आने वाला वक्त ही बताता। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर कोई सामने नहीं आई है। इस खबर फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से उड़ी तमाम खबरें पाने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।